तो और मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो यार, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो भाई, जो बंदे यार 1.VPN यूज़ करते हैं, उनको भाई अभी एक दो दिन से यार, जब वो 1.VPN कनेक्ट करके पबजी लाइट ओपन कर रहे होंगे, तो उनको भाई यार सर्वर इज बिजी करके दिखा रहा होगा। तो वो प्रॉब्लम आप लोग को क्यों देखने को मिल रहा है और साथ में आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो, उसको भाई आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। साथ में मैंने भाई इस वीडियो में आप लोग को एक बेहतरीन VPN बताया है, जो भाई आप लोग का यार 40 से 50 का पिंग प्रोवाइड कर देगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना यार। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा देर न करते हो भाई, शुरू करते हैं यार। अब भाई पबजी लाइट खेलने के लिए यार आप 1.VPN यूज़ करते होंगे, तो भाई अभी यार आपके में कनेक्ट तो हो जा रहा होगा, लेकिन भाई यार आप जब पबजी लाइट ओपन कर रहे होंगे तो भाई सर्वर इज बिजी करके दिखा रहा होगा। और कुछ बंदों के में तो भाई यहाँ पे ये 1.VPN कनेक्ट भी नहीं होता, तो वो किस लिए हो रहा है उसको मैं आप लोग को क्लियर करूँगा। फिलहाल भाई मेरे में तो कनेक्ट हो जा रहा, लेकिन भाई मैं कनेक्ट होने के बाद जैसे ही पबजी लाइट ओपन करता हूँ तो देखना मेरे साथ क्या सीन होता है। अभी तो फिलहाल लोडिंग हो रहा। अब भाई VPN मेरा कनेक्ट है, आप लोग को पता ही है 1.VPN। अब देखना भाई, यहाँ पे VPN कनेक्ट होने के बाद भी यार मेरे को सर्वर इज़ बिजी करके दिखा रहा। और ऐसा भाई अधिकतर बंदों के साथ हो रहा है यार, कि वो 1.VPN यूज़ कर रहे हैं तो भाई उनके में सर्वर इज़ बिजी करके दिखा रहा। तो भाई 1.VPN में ऐसा क्या हो गया यार जिसके कारण सर्वर इज़ बिजी करके दिखा रहा, वो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। तो हो सकता है भाई कि 1.VPN थोड़ा अपग्रेड कर रहा हो अपने एप्लीकेशन, मतलब भाई उसमें नया अपडेट आने वाला हो सकता है, जिसके कारण ही भाई हम लोग को यार सर्वर इज़ बिजी करके खा रहा होगा। क्योंकि यार 1.VPN को अभी बहुत सारे बंदे यूज़ कर रहे हैं, तो भाई हो सकता है वो अपना नेटवर्क और बेटर बनाने के लिए यार अपने में अपडेट कर रहा हो, ये मेरा मतलब मानना है। क्योंकि भाई एक बार और ऐसी टाइप सीन हुआ था, मैं बहुत पहले से यार 1.VPN यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे को पता है। तो भाई उनके में जब भी अपडेट आने वाला होता है तो भाई ऐसा टाइप सर्वर इज बिजी करके दिखाता है। तो हो सकता है कि भाई यार अभी भी कोई नया अपडेट आने वाला हो, इसलिए हम लोग यार इस VPN में सर्वर इज बिजी करके देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी कुछ दिन आप लोग कौन सा VPN यूज़ कर सकते हो उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ यार, क्योंकि गेम खेलना तो जरूरी है ना, मज़ा आता है हम लोग को गेम खेलने में। तो भाई मैं आप लोग को यार एक ऐसा VPN बताता हूँ यार, जो कि भाई आप लोग को 1.1 VPN की तरह ही पिंग प्रोवाइड करेगा। और मैं तो बोलूँगा कि भाई यार 1.VPN से भी वो अच्छा पिंग आप लोग को प्रोवाइड करेगा। तो वो कौन सा VPN है और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसको मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देता हूँ यार। तो भाई उस VPN को डाउनलोड करने के लिए यार सबसे पहले आप लोग को यार अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो भाई हम लोग प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं सिंपल सा। और प्ले स्टोर ओपन होने के बाद भाई आप लोग को सिंपल से यहाँ पे डेली VPN सर्च कर देना है। हाँ भाई, डेली VPN जिसको भाई बहुत कमी बंदे जानते हैं यार, तो देख सकते हो तीसरे नंबर में जो एप्लीकेशन है उसी को आप लोग को डाउनलोड करना है। और अगर ये आप लोग को प्ले स्टोर पे नहीं मिलता तो भाई मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड होने के बाद भाई सिंपल से इसको ओपन कर लेते हैं यार हम लोग, और मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें आप लोग को कैसे कनेक्ट करना है। तो ओपन करने के बाद भाई सिंपल से यार ये एकदम जल्दी ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यार ऊपर साइड में आप लोग को सर्वर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल से यार वहीं पे आप लोग को क्लिक करना है। मैंने मार्क भी लगा दिया है। और वहां पे आने के बाद भाई यहां पे सिंपल से सिंगापुर सर्वर दिख रहा होगा, वहीं पे आप लोग को क्लिक कर देना है। उसको जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यार यहां पे देख सकते हो कनेक्टिंग करके लिखा हुआ आएगा, और एक दो सेकंड के बाद ही यार ये VPN आप लोग का कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद भाई आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा अपना गेम ओपन कर लेना है। उसके बाद गेम ओपन करने के बाद भाई आप देखना है यार कि आपका पिंग कितना आता है। और मैं लिटरली सही बता रहा भाई, इस VPN में भाई आप लोग को यार 40 से 60 के बीच में पिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई मैं भी यार इस VPN को बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। अब भाई ये VPN यार आप लोग को यार 1.VPN से भी अच्छा पिंग तो प्रोवाइड कर देगा, एकदम तगड़ा सा आप लोग को कतई मज़ा टाइप आ जाएगा इस VPN में गेम खेलने में। लेकिन यार इस VPN का एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये हर एक घंटे के बाद यार डिसकनेक्ट हो जाता है। तो भाई यार आप लोग को एक घंटे के बाद भाई इसको फिर से कनेक्ट करना होता है। तो भाई यार आप इतना तो कर ही सकते हो अच्छा पिंग आप लोग को चाहिए तो, क्योंकि यार जो अच्छा VPN होता है यार उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होता ही है। तो भाई यार ये VPN आप लोग को 40 से 50 के बीच तो पिंग प्रोवाइड कर देगा इजिली, लेकिन भाई आप लोग को यार हर एक घंटे के बाद जाके यार आप लोग को इस VPN को कनेक्ट करना है। वैसे तो भाई अधिक
अधिकतर बंदे एक घंटे भी गेम नहीं खेलते तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यार जो लोग 3-4 घंटे गेम खेलते हैं तो उनको भाई 2-3 बार यार जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। अब भाई कोई भी यूट्यूबर यार कोई भी वीपीएन के बारे में बताता है यार तो उसके अच्छे बात कोई बताता है, लेकिन तुम्हारा भाई यार आप लोग को सच से गुमराह नहीं करना चाहता, इसलिए जो भाई है रियलिटी उसको मैं आप लोग को बता दिया। तो भाई ये वीपीएन आप लोग को अच्छा सा पिंग तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आप लोग को जो डिसएडवांटेज है वो भी मैं आप लोग को बता दिया। तो यार यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो यार एक लाइक कर देना, और हाँ भाई चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप लोग को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा गेम खेलने में, कैसा भी प्रॉब्लम हो यार, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।